Hello students, how are you? Well, hope that all of you are not good and staying safe. Anyways, yeah, times are turning not for the best, I guess. But well, hope is the most important part, right? And that is what we have to keep. And let us continue with our lesson for today. अब आप लोगों को इससे पहले जो है थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से बताया गया होगा, राइट, अबाउट नाउन. राइट, नाउन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज के नाम को हम नाउन कहते हैं. ठीक है, नेम ऑफ, बेसिकली ठेठी भाषा में बोलो तो एनीथिंग. ठीक है, वैसे जो है पर्सन, प्लेस, थिंग्स एटसेट्रा, इन सब का नाम, किसी भी आदमी का नाम, किसी जगह का नाम, किसी चीज का नाम, ये सब क्या होता है? नाउन होता है. ठीक है, और दूसरी तरफ आप लोगों को जो है प्रोनाउन भी बताया गया होगा. प्रोनाउन में कम से कम आपको इन सब प्रोनाउंस का जो है नाम पता जरूर सिखाया गया होगा. राइट, लेट मी लुक एट दिस. आई, यू, वी, ही, शी, इट, I, we, you, he, she, it, और they, इन सबको पहचानते हैं आप? I का मतलब क्या होता है तो पता है आपको, राइट? I का मतलब होता है मैं. We का मतलब जब हम लोग एक से ज्यादा हो जाते हैं तो क्या कहते हैं अपने आप को? We आर हैप्पी, हम लोग खुश हैं. यू, किसी भी जैसे भी हम बात करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? हमेशा यू. राइट, लाइक यू आर हैप्पी, You are playing. You like my shirt, right? तो जिससे भी हम बात करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? You. You का मतलब होता है तुम या तुम लोग. फिर देखो ये है ही. ही का मतलब वह होता है, लेकिन इसका यूज जो है सिर्फ मेल जेंडर के लिए, मैस्कुलिन जेंडर के लिए होता है. ठीक है, बेसिकली कह लो कि बॉयज या मेन के लिए होता है. दूसरी तरफ शी, इसका मतलब भी वह होता है. ठीक है, वह, लेकिन इसका यूज जो है वो गर्ल्स के लिए, फीमेल्स के लिए होता है. राइट, जैसे कि शी इज माई सिस्टर, ही इज माई फादर, क्योंकि आपके पापा क्या है? ही इज अ मेल. राइट, तो वो उनको क्या बोलोगे आप? ही इज माई फादर, शी इज माई मदर और सिस्टर. इट का यूज जो है हम इंसान के अलावा बाकी के लिए करते हैं. ठीक है, खैर ऐसा करते हैं, अभी आप जो है जितने को पहचाना है आपने इतने से ही अपनी जान पहचान रखते हैं. ठीक है, अब आगे जो है देखो, वर्ड्स की एक और कैटेगरी होती है, इसको हम कहते हैं एक्शन वर्ड्स. एक्शन वर्ड्स आप लोगों को पता होगा ना, वर्ब जिसको कहते हैं, जैसे ईट, प्ले, रीड, राइट. जानते हैं एक्शन वर्ड्स को? राइट, ईट का मतलब क्या होता है? खाना, ऑफ कोर्स. प्ले का मतलब खेलना, रीड का मतलब पढ़ना, और राइट का मतलब लिखना. तो अब आप क्या करिएगा कि आप जो है आई, वी और यू और ही और शी, इनके साथ जो है इन एक्शन वर्ड्स को जोड़ के आप जो है इन वर्ब्स का सेंटेंस बना सकते हैं. पता है कैसे? लेट मी शो. जैसे देखो, आई ईट, मैं खाता हूं. आई प्ले, मैं खेलता हूं. आई राइट, मैं लिखता हूं. ठीक है, ये सारे ऑप्शन है आपके पास. ओके, अब इससे आगे जब आप बढ़िएगा, इस तरीके से आप वी के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं. ईट, We play. You के साथ अगर आप बात करिए तो you eat. You play. लेकिन वहीं जब आपको he या she या it मिलेगा तो यहां पर आपको क्या कर देना है? वर्ब के आगे में s या es लगा देना है. ठीक है, जैसे he eats. He प्लेज. उसी तरीके से अगर शी के साथ देखो तो शी
ईट्स, देखो क्या किया मैंने, वर्ड के आगे में एस जोड़ दिया ना एक, ऐसे ही एस या ई एस जोड़ना होता है। अभी आपके पास जो वर्ड्स है इनमें सिर्फ एस जोड़ना है, शी ईट्स, शी प्लेज, है ना। अब आप एक काम करिएगा कि आज जो है आप होमवर्क में क्या करिएगा कि जो जो आपको इधर जो है ये सब्जेक्ट्स दिए गए हैं ना, आई वी यू ही एंड शी, ओके, क्या करना है आपको कि इनका आपको सेंटेंस बना लेना है, ठीक है। इनका जो है आप सेंटेंस बना लीजिएगा, आई वी यू ही शी, ठीक है। इनको जो है इन वर्ब्स के साथ मिला मिला के आप सेंटेंसेस बनाइएगा, ठीक है, और फिर उन सेंटेंसेस को पढ़िएगा। थैंक यू, बाय बाय।